चार्लोट ब्रॉन्टी के द्वारा लिखी गई कविता लाइफ और इसके समरी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ऑफन वी हियर, अक्सर हम लोग सुनते हैं पीपल टॉकिंग अबाउट ऑल द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। लोग अक्सर जो है जीवन के सभी बुरे अनुभवों के बारे में बात करते हैं, एंड सो एवरी वन टेक्स इट फॉर ग्रांटेड, और इसीलिए हर कोई इस बात को सुनिश्चित कर लेता है डेट लाइफ इज अ बर्डन, कि जीवन एक बोझ है। बट इन दिस पोयम, लेकिन इस कविता में चार्लोट ब्रॉन्टी गिव्स अस अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड मोटिवेशनल मैसेज। वह हमें काफ़ी उम्मीदवान और प्रोत्साहन संदेश देती है कि जीवन जो है इज़ फुल ऑफ होप, उम्मीद से भरा हुआ है। सी इनकरेजेज, वह हमें प्रोत्साहित करती है टू लुक बियॉन्ड द इमीडिएट डिसअपॉइंटमेंट, कि हम लोग जो है तत्क्षण उन सारे निराशाओं से परे देखें एंड अप्रिसिएट, और अप्रिसिएट कर सके। अप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना, द प्लेजर्स लाइफ हैज़ टू ऑफर, कुछ जो जीवन हमें देने वाला है, जो सुख, उन सारे चीज़ों को हम लोग अप्रिसिएट कर सके। सी एजर्ट्स डेट, और इस बात पर वह जोर देती है इन द बैटल बिटवीन होप एंड डिस्पेयर, कि जब बैटल होता है उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच जब युद्ध हो, तो उस समय जो है नाउम्मीदी जो है मे सीम मोर पावरफुल, वो अधिक ताकतवर दिख सकता है इनिशियली, शुरुआत में। लेकिन इट इज़ होप, यह उम्मीद ही है हम लोगों का, हमारे अंदर जो उम्मीद है डेट विल विन, वह जो जीत जाएगा इवेंचुअली अंततः। तो इस कविता का ये समरी है।